हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त हैरी। आज मैं आपके लिए एक और नई रेसिपी लेकर आया हूँ। आइए देखते हैं वो किस तरह से बनाई जाएगी। आपके लिए रोटी की बहुत ही बढ़िया स्नैक्स लेकर आया हूँ, रोटी सैंडविच, जिसको हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में बना सकते हैं। आप इसको ऑफिस में भी लेकर जा सकते हैं। आइए देखते हैं ये किस तरह से बनाई जाएगी और इसमें क्या क्या डलेगा। हमने 2 प्याज लिए हैं, 1 टमाटर लिया है, 2 हरी मिर्ची ली है, 5 बॉयल किए हुए आलू लिए हैं, हमने 2 चम्मच टोमेटो केचप के लिए हैं, 1 चम्मच चाट मसाला, 4 रोटी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें आलू को इस तरीके से कद्दूकस करेंगे। सबसे पहले हम आलू में नमक डालेंगे, टमाटर डालेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, फिर इन सबको मिक्स करेंगे। अब हम प्याज को बीच में से कट करेंगे। अब हम प्याज को इस तरीके से स्लाइस में कट करेंगे। फिर हम इसमें 1/2 चम्मच चाट मसाला डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, अब हम एक रोटी लेंगे, उसके ऊपर टोमेटो केचप स्प्रिंकल करेंगे, टोमेटो केचप को इस तरीके से रोटी पर लगाएंगे। अब हम आलू को इस तरीके से स्टफ करेंगे आधी रोटी में। और उसके ऊपर प्याज लगाएंगे। अब हम रोटी को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। अब हम दूसरी रोटी के ऊपर भी टमाटो केचप लगाएंगे। ये हम बच्चों के लिए बना रहे हैं। अब हम हाफ रोटी में आलू की स्टफिंग रखेंगे। आप रोटी के अंदर ग्रीन चटनी और मेयोनीज भी लगा सकते हैं। फिर उसके ऊपर एक चीज़ रख देंगे, उसके ऊपर प्याज रखेंगे, जो हमने प्याज का सैलेड बनाया था, और फिर से हम उसके ऊपर चीज़ रख देंगे। फिर उसको दूसरी साइड से फोल्ड कर देंगे। अब हम एक टोस्टर लेंगे, उसमें चीज लगी हुई रोटी को रख देंगे और उसके ऊपर हम बटर लगाएंगे इस तरीके से। थोड़ा सा बटर हम नीचे वाले हिस्से में भी लगा देंगे। अब हम दूसरी चपाती को भी इस तरीके से रख देंगे। और इसके दोनों साइड में हमने बटर लगा दिया है। अब हम टोस्टर को बंद कर देंगे 5 मिनट के लिए। ये देखिए, हमारे रोटी सैंडविच बनकर तैयार हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बने हैं। अब मैं आपको दूसरा सैंडविच तवे पर बनाना सिखाता हूँ। अब हम एक तवा लेंगे, उसके ऊपर हम बटर डालेंगे, रोटी वाली सैंडविच डालेंगे। हम 3 से 4 मिनट रोटी को एक तरफ से सेकेंगे।
और उसको 3 से 4 मिनट दूसरी तरफ से सेकेंगे। ये देखिए हमारे रोटी सैंडविच कितनी अच्छी तरीके से क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। अब मैं आपको बीच में से कट कर कर दिखाता हूँ ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी तैयार हुए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। आप इसको टोमेटो केचप के साथ और ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और जल्दी बनने वाली डिश है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर आऊंगा एक और नई वीडियो के साथ। गुड बाय दोस्तों।